राजधानी रायपुर के मुजगहन इलाके में गैंग रेप का केस दर्ज होने से सनसनी फैल गई है। वारदात को डूडा के सूने मकान में अंजाम दिया गया, जिसकी FIR दर्ज करने के बाद एक्शन में आई पुलिस ने दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर में दो बदमाशों ने नौकरी का झांसा देकर एक युवती को सूने मकान में बुलाया और गैंगरेप का शिकार बना डाला। वारदात मुजगहन इलाके में हुई, जिसकी FIR दर्ज करने के बाद पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15-20 दिन पहले की बात है, इन लड़की का ललित यादव के फोन नंबर से फोन आया था, तो लड़की से पूछा था क्या काम का, तो क्या करती है, तो बताया मेरे को जॉब की जरूरत है, तो बोला ठीक है मैं जॉब दिलवा दूंगा। तो परसों फिर फोन की थी, तो उसको कल के लिए टाइम दिया था कि कल 8 बजे आ जाना, जिस पर से लड़की कल रात में 8-8:30 बजे VIP टर्निंग के पास पहुंची चपनी एक्सप्रेस, वहीं से ये दोनों लड़के। पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया है कि एक बार वो किसी परिचित को फोन लगा रही थी, लेकिन गलत नंबर डायल होने के चलते ललित यादव के मोबाइल पर फोन लग गया। इसके बाद किसी न किसी बहाने से ललित अक्सर युवती को फोन करने लगा और बातों ही बातों में उससे उसने कामकाज के बारे में पूछा। जब युवती ने बताया कि वो बेरोजगार है, तो आरोपी ललित यादव ने उसे अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने पास आने को कहा। गुरुवार को दोनों के बीच फोन पर बात हुई और ललित ने रात 8 बजे युवती को मिलने के लिए बुला लिया। जैसे ही युवती ललित के पास आई, ललित एक गाड़ी में बैठाकर उसे डूंडा ले गया, जहां ललित और उसके साथी ने युवती को बंधक बनाकर गैंगरेप को अंजाम दे डाला। ललित यादव संजय साहू उसको उसी एक्टिवा में बैठाकर डूंडा संजय स्वागत विहार कॉलोनी के खाली प्लॉट पर ले जाकर उसके साथ नाटक किया। सर, लड़की ने 15 दिन पहले युवक को फोन किया, तो ये रॉन्ग नंबर फोन गलती से चला गया नहीं? हाँ, ऐसा गलती कुछ होगा, आजकल लड़के लड़कियां फोन लगाते रहते हैं, गलत नंबर लग जाने से उसका फायदा उठाते हैं, वही बात हुई है, फायदा उठा गलत नंबर लग जाने पर फोन से नौकरी वही दिलाने का झांसा देकर बुलवाया है। और बदमाशों के चंगुल से छूटते ही युवती किसी तरह मुजगहन थाने पहुंची और अपने साथ हुई दरिंदगी की FIR दर्ज कराई। इलाके में गैंगरेप की संगीन वारदात की तहकीकात करने जुटी पुलिस ने युवती को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा और तत्काल घेराबंदी करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही आरोपियों के मोबाइल कॉल की डिटेल सहित अन्य सुराग भी जुटाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें सख्त सजा दिलाई जा सके। हवालात के लिए रायपुर से शिवम मिश्रा की रिपोर्ट। हवालात में आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे जुर्म की दुनिया की कुछ और नई दास्तानों के साथ। जब तक आप रहें सतर्क और सावधान।